for the first time, birth anniversary of Chhatrapati Shivaji Maharaj was celebrated in Agra's fort in presence of Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde and several other union ministers and UP leaders. In fact, Yogi Adityanath, Chief Minister of Uttar Pradesh, addressed the public virtually. We are at that very particular spot of Diwan-e-Aam, which has a story and history related to Chhatrapati Shivaji Maharaj. ये आज का मौका हमें मिला है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती इस आगरा के लाल किले में हम लोग मना रहे हैं। यहाँ पर औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उनका अपमान करने की तो हिम्मत नहीं है, उन छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी उनको खड़े बोल सुनाए थे। यही दीवान-ए-आम दीवाने खास सभागृह है और आज उसी सभागृह में, उसी लाल किले में हमारे महाराष्ट्र के आराध्य देवा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हम मना रहे हैं। इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है। शिवाजी महाराज फिर सही सलामत हमारे स्वराज्य में दाखिल हुए थे, ये इतिहास है और उसी का मैं बदला नहीं लूंगा, मतलब बदला ही कहूंगा। सर, मुगलों की निशानी को ध्यान में रखते हुए आज बदला लेने की बात की जाए। बिल्कुल, औरंगजेब जो थे उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान करने की कोशिश की, लेकिन हमारे राजा भी कुछ कम नहीं थे, उन्होंने भी हमारा स्वाभिमान दिखाया और उसने जो उस वक्त बर्ताव किया उसका बदला आज यहाँ पर तमाम हजारों लाखों लोग ये देख रहे हैं शिव जयंती मनाने। यहाँ यही पर, यही आगरा है, यही लाल किला है, आज सब लोग खुश हैं। आज का दिन शिव प्रेमी शिव भक्तों के नाम पर एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है, इसलिए मैं सभी शिव भक्त शिव प्रेमी या आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूं। और इसी के साथ यह मौका हमें जो मिला है लाल किला और आगरा में, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब को भी खड़े बोल यहां पर सुनाकर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्वाभिमान अस्मिता का यहां पर जो लोगों के सामने हमारी प्रतिमा जो है वो जो मैं उस वक्त जो स्वाभिमान दिखाया और उसी जगह पर आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती मना रहे, ये बहुत बड़ा दिन है और शिवाजी महाराज ये हमारी अस्मिता है, हमारे श्रद्धा का स्थान है और इसलिए ये आगे भी ऐसा ही कार्य होता रहे, ऐसी जयंती उत्सव मनाने का मौका मिलता रहे। इसलिए मैं फिर एक बार सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा और ख़ास करके देवगिरी प्रतिष्ठान के विनोद पाटिल, इन्होंने इसमें पहल की, महाराष्ट्र सरकार ने सहयोग किया और आज का दिन यह देखने को मिला है। इसलिए फिर एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर सभी शिव भक्तों को, शिव प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के अंदर गुलामी के उस कालखंड में हिंदवी बादशाही की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा एक कुशल शासन एवं रणनीति, अदम्य साहस एवं पराक्रम के साथ अनेक युद्ध लड़े गए, जिनमें प्रतापगढ़ का युद्ध, कोल्हापुर, पवनखिंड, चकन, अंबरखिंड, सूरत, पुरंदर आदि के युद्ध अविस्मरणीय हैं। मुगल आक्रांताओं के विरुद्ध अपने साम्राज्य सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा के लिए किए गए बलिदान का स्मरण करने एवं नवयुवकों में वही अलग जगाने के लिए, जिसे शिवाजी महाराज ने विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध संघर्ष में अपने जीवन का आधार बनाया था, आप सभी को इस महापर्व की हृदय से शुभकामनाएं। जय हिंद।